आराम किया जा रहा है। लो भाई खाना खाओ, जल्दी से मेरी प्यारी सज्जो खाना खाएगी, फिर दवा भी खानी। तो मुझे कैसी दवा खिलाती हो? अजीब सी मदहोश पड़ी रहती हूँ मैं। बस मैंने अब बहुत दवा नहीं खानी है, मैं ठीक हूँ। इसलिए सच्चो क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम मदहोश ही रहो और ये दवा खाकर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो, इसलिए दवा तो खानी पड़ेगी। मैंने कह दिया ना, नहीं खानी मुझे यह दवा। तुम चली जाओ यहाँ से, बल्कि बाकी सबको भी लेके मेरे घर से भी निकल जाओ। हाँ, क्या कहा तुमने? कौन सा घर? कौन सा घर? कैसा घर? ये घर मेरे दानिश की मलकियत है। शुक्र मानो कि तुम्हें रोटी पानी दे रहे हैं, वरना यूं कूड़े की तरह सेकंड में उठा के घर से बाहर फेंक देते, समझी? किस लिए कर रही हो तुम ये सब? हाँ, पैसे के लिए? किस लिए कर रही हूँ मैं ये सब? हाँ, किस लिए कर रही हूँ मैं ये सब कुछ? साश्ता बेगम, मेरे बहुत हिसाब किताब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। हमेशा से मेरे हक पे डाका डालती आई तुम, बचपन से हमेशा अम्मा अब्बा की लड़ाई की वजह थी तुम। हमेशा हर अच्छी चीज तुम्हारे हिस्से में आई क्यों? हर कूड़ा कचरा मेरे हिस्से में क्यों? मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वक्त बदल रहा है। नवाब, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? बंद करो ये लेक्चरबाजी। चुप करके खाना खाओ, मुझे दवा खिलानी है, मुझे बहुत काम है, समझी? भरी आई। अरे वाह, यहाँ तो पहले से तमाशा लगा हुआ है। मेरी प्यारी खाला जान, क्या हाल है? जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करती हैं, ये हाल है। अरे अम्मा रिलैक्स, आज खाला जान को हर बात माफ है। क्यों क्यों माफ है? क्यों माफ है ऐसे आज? अरे आज मेरी प्यारी खाला जान पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करने वाली है। साइन करवाने को हमारे गेस हु? ब्यूटीफुल वाइफ रानिया दानिश। चलो जल्दी से साइन कराओ। बिस्मिल्लाह। नहीं, तुम जो चाहे कर लो, मैं इनका साथ पे साइन नहीं करूं। कहा था ना बहुत टेढ़ी खीर है ये साजदा, कभी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अम्मा तुम सबर करो, ये सब कुछ करेंगे। शायद मैंने थोड़ी नरमी बरती हुई है। ऐसा कौन सा काम चल रहा है यहाँ पे जो तुम लोगों का कमरे से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा? अब तुम्हें क्या काम पड़ गया हमसे? मुझे और तुमसे काम? अल्लाह ना करे कि मुझे कभी तुमसे काम पड़े। मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि नीचे मेहमान आए। दरवाजा किसने खुला छोड़ा है कि वो अचानक घुसा है दंदनाते हुए? ये आपकी लापरवाह औलाद, इसी ने किया होगा ये काम, और कौन कर सकता है? नीचे ना नायला और निहाल आए। नायला भाग गई, नायला भाग गई, नायला भाग गई। भाई साहब, क्या मंगवाऊँ आपके लिए? चाय शरबत क्या लेंगे आप? हाँ नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस रानिया से कुछ काम था इसलिए हम आए थे। रानिया से?
आप 2 मिनट पहले आते ना तो आपकी रानिया से मुलाकात हो जाती। ओ? वो दानिश अभी तो लेकर निकला है बस 2 मिनट पहले रानिया को। साजदा को डॉक्टर को दिखाना था ना। हाँ बहुत बीमार हो रही थी वो, तो उसको शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए। बस दुआ करो अल्लाह शिफा दे। कोई पैगाम हो तो हमें बता दो, हम दे देंगे उसको। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए उन दोनों को छोड़कर? किसको कहाँ छोड़ गए, वो तो अपने कमरे। अरे भाई वो साजदा को डॉक्टर को दिखाना था और वो रानिया की ड्रिप भी तो लगनी थी। हाँ वो ड्रिप लगनी थी ना, तो वो लग गई होगी अब तक, है ना? है ना? हाँ लग गई है वो। मैं वॉलेट भूल गया था लेने आया। कैसा बेवकूफ लड़का है ये। तुम क्या जरूरत थी उन दोनों को अकेला छोड़ने की तुम्हें, हैं? भाई साजदा को तो होश ही नहीं है, गुमसुम रहती है वो। रानिया बेचारी परेशान हो जाएगी। कहीं भागे जा रहे थे पैसे, मुझे कर लेते कॉल, मैं ले आती पैसे वहाँ पे। अरे तुम मेरी चादर लेकर आओ। चलो चादर लेकर आओ, मैं अभी जाती हूँ अपनी बच्ची को देखने के लिए। अब मुझे खुद देख लूँ जब तक चैन नहीं मिलेगा। आपको कोई पैगाम देना हो तो उसको दे दे, तो अपने मेहमानों की खातिर मुदारात करो। मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हम फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं इतने चक्कर काटने की क्या ज़रूरत है तुम लोगों को। अब जो भी पैगाम है दानिश को दे दो, वो पहुंचा देगा दानिया तक। जी वो मेरे ख्याल में मैं रानिया को खुद ही बताऊँगा। अच्छा अच्छा खुदा आइए आओ ना। मुझे अम्मा फिर से आ जाएंगे लोग, क्या करेंगे अब? क्या बात हुई है कोई मुझे भी तो बताए। मुझे भी तो कोई बताए, क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या जरूरत क्या थी इतनी जल्दी आने की तुम्हें? जरूरत ही है अम्मा, मेरी जान हलक में आ गई थी, अल्लाह की कसम निकलने वाली थी, इतनी मुश्किल से बात संभाली मैंने। मेरा गधा है गधा, बिल्कुल बेवकूफ इंसान, समझ में नहीं आती कोई बात। अब ये सोचो निहाल भाई को क्या बात करनी है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।